हम शुरू कर रहे हैं पॉलिसी फैक्ट्स केसेस का पार्ट बी, यानी कि एक वीडियो जो एक केस हमने किया था उसके अलावा के केसेस, ठीक है। अब इसमें हमारा केस टू है एल बार एग्जॉजनसली राइज, यानी कि एल बार मनी डिमांड का वो पार्ट जब इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो जाता है तो वो मनी डिमांड जो कि कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वो अगर आपने एग्रीगेट डिमांड और सब कुछ पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको इक्वेशन के अंदर भी नज़र आएगा एल बार, वो मॉडल से बाहर डिटरमाइन होता है या वो एग्जॉजनसली चेंज होता है, विद इन द मॉडल वो डिटरमाइन ना होता है और ना ही वो चेंज होता है। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट चल, यानी कि इन चेंजेस से पहले जो है बिल्कुल नॉर्मली तीनों के तीनों मार्केट्स वर्क कर रहे हैं। अब जब एल बार बढ़ेगा वो एग्रीगेट डिमांड को कम करता है, ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इन चीज़ों के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग एग्रीगेट डिमांड के जो शिफ्टिंग फैक्टर्स हैं उनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड मैंने कम कर दिया यहाँ पे एडी 0.2, ये पैरी शिफ्टिंग, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के कम होने से हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइसेस भी कम हो गई, आउटपुट भी कम हो रहा है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कम हुआ, प्राइसेस भी रिड्यूस हो गई, वाई भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। प्राइसेस कम होने से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन, प्राइसेस कम होने से डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होने से क्या था, हम मनी डिमांड को बढ़ा रहे थे, अब चूँकि प्राइसेस कम हो गई हैं हमारे हाथ में पैसे ज़्यादा बच रहे हैं, हम क्या करेंगे मनी डिमांड को और कम कर देंगे, इट कॉजेज मनी डिमांड टू फॉल। और चूँकि रिजर्व डिमांड भी सेम है, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनली चल रही होती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। मनी डिमांड यहाँ पे आ गई, नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये मनी डिमांड डैश टू, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ चल रहा होगा एग्जैक्ट ये इंटरेस्ट रेट जो है ये रिजर्व चल रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ से बिल्कुल माइनर सा शिफ्ट रिजर्व डिमांड पे आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैं इसको यहाँ पे बंद का नाम दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ की शिफ्टिंग वन है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है पूरे तरीके से हिल गई है, प्राइसेस भी कम हो गई हैं मगर आउटपुट भी कम हो गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मार्केट का कम हो गया है और रिजर्व अपनी जगह कॉन्स्टेंट है मगर मनी जो मार्केट के अंदर चल रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को या इकोनॉमी को आप स्टेबल करने के लिए दो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। पहली है इनिशियल का मनी को कांस्टेंट करना, ठीक है, यानी कि ये जो एम था इस पे वापस आ जाएं या इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करना, ये जो आई इंटरेस्ट रेट रखा था इसको कांस्टेंट करना, तो दोनों पे देख लेते हैं। जिस पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबलाइज हो रही होगी हम उस पे उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले एम को कांस्टेंट करते हैं, एम को कांस्टेंट करना यानी कि ये नया एम डी अब मनी सप्लाई से शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे ये, तो यहाँ से मैं पैरेलल इसको आगे शिफ्ट कर लूँगी, ये यू, ठीक है। 0.3A का नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं 0.3A से जो है इसका इक्विलिब्रियम शो करूँगी, ठीक होगा, ठीक है। और ये जो है 0.3B से इसको शो करूँगी, ठीक है। और जो शिफ्टिंग यानी जो कर्व्स के ऊपर एरोज होंगे वो इस पे 2 के नाम से होंगे, इस पे 3 के नाम से होंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ से थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब ये मनी सप्लाई जो है ये बढ़ गई, बढ़ा के हमने मनी को जो है वो कांस्टेंट कर दिया, इंटरेस्ट रेट मज़ीद गिर गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के मज़ीद गिरने से इंटरेस्ट रेट यहाँ गिरा तो सेम चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। यानी कि इस नए डिमांड के ऊपर रिजर्व की जो सप्लाई थी वो बढ़ जाएगी, यू लाइक दिस, ठीक है। तो एग्जॉजनसली मनी सप्लाई जो है बढ़ने की वजह से रिजर्व सप्लाई भी बढ़ गया, ये यहाँ से
टू, ये यहाँ पे टू, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड जितना ही कम हुआ था उतना ही वापस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टू, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और एग्रीगेट डिमांड का जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा एग्रीगेट डिमांड उतना ही पॉजिटिव साइड पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन हो रही है, यानी कि मनी सप्लाई कॉन्स्टेंट, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहा है मगर पी और वाई वापस स्टेबलाइज हो रहा है। अब ये चीज़ हम इंटरेस्ट पे कॉन्स्टेंट करके देखते हैं, ठीक है। यानी मैं अब नया कलर एक ले लूँ, तो अब मैं ब्लैक से जो है ये इंटरेस्ट रेट को कॉन्स्टेंट कर लूँगी। इनिशियल का इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंट करना है, यानी कि ये नई मनी डिमांड, यानी ये, ठीक है, इस ये, यानी कि नया मनी डिमांड तो ये था ना जो नया बन गया था इस चेंज के बाद, ये पॉइंट अब मनी सप्लाई को पीछे शिफ्ट करेंगे, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो कम होगा, ये यहाँ से पैरेलल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मनी सप्लाई कम, इसको मैं मनी सप्लाई डबल डैश कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं 3B का पॉइंट मैंने आप लोगों को कहा था मैं रखूँगी, और ये इसके एरो पे यहाँ पे पॉइंट 3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब मनी सप्लाई कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट जो है आपका वापस कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इस नए ये रिज़र्व डिमांड पे ये वाला पॉइंट जो है ये 1 था, यहाँ पे ये आपके पास, ठीक है, 2, इस रिज़र्व पे ये वाला आपका पॉइंट आ गया 2 का, ये आ गया आपका 3A, ये बनने लगा आपका 3B, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नया ये बन गया नया रिज़र्व डिमांड, रिज़र्व की सप्लाई, और ये वाला पॉइंट आपका बन गया 3B, और ये RS से नई वाली RS की शिफ्टिंग जो है ये आपकी बन गई एक थ्री, इस शिफ्टिंग को हमने 3 का नाम दिया, ठीक। 2 वाली कौन सी थी, ये वाली, और ये 3 वाली, ठीक। अब इंटरेस्ट रेट जो है हमने देखा स्टेबलाइज हो गया, यानी कि इस वाले इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिर से कम हो जाए, ठीक। यानी ये समझ लें कि 2 वाली से एग्रीगेट डिमांड जो है मसी कम, तो ये पॉइंट आपका बन गया 3B, 3A जो है ये 1 के साथ ही 3A बन रहा था। तो इस सूरत में हम देख रहे हैं कि मनी कांस्टेंट रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद बढ़ जाएगी, ठीक है। तो विल गो फॉर, इसका पॉलिसी हम ये बता सकते हैं कि कीपिंग मनी कॉन्स्टेंट इज बेटर ऑप्शन फॉर द इकॉनमी टू स्टेबलाइज वाई एंड पी आउटपुट एंड प्राइसेस, ठीक है जी। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं, यानी कि केस 3, मनी सप्लाई जो है वो एग्जोजिनसली बढ़ गई है। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, ये भी आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि इंतहाई कोई सिंपलेस्ट लेवल का केस है, इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता। ये है प्राइस, आई, इंटरेस्ट रेट एम, इंटरेस्ट रेट एंड रिजर्व्स, ठीक है। ये आ गया एग्रीगेट का डिमांड, सप्लाई 0.1, ठीक है। ये प्राइस वाई
ठीक है, मनी डिमांड मनी सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम का चल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, और ये आ गया रिजर्व की डिमांड, ये इंटरेस्ट रेट, ये भी इंटरेस्ट रेट, ये कांस्टेंट पार्ट मनी सप्लाई का, ये इनिशियल इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मैंने सुन। ये तो वो है कि कोई चेंज अप्लाई होने से पहले जब इक्विलिब्रियम पे पूरी इकॉनमी चल रही है। ठीक है, अब मनी सप्लाई का बढ़ जाना, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, यही पहला शिफ्ट है। ठीक है, ये 0.2 आ गया, मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब मनी सप्लाई के बढ़ने से रिजर्व सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेम रिजर्व डिमांड पे नया रिजर्व सप्लाई, ये रहा, ये 0.1 हो गया, ये इक्विलिब्रियम का 0.2 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया मार्केट के अंदर। अब इंटरेस्ट रेट और एग्रीगेट डिमांड का मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप जो है ये नेगेटिव, इंटरेस्ट रेट कम होना एग्रीगेट डिमांड को मज़ीद बढ़ा देगा। यानी कि प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और आउटपुट भी बढ़ जाएगा। प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन को लाएगा, आउटपुट का बढ़ना मज़ीद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये एम आ गया, तो ये जो एक डिस्टर्बेंस आ गई है इसको वापस इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आया जाए, मनी सप्लाई के बढ़ने ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, सिंपल एज दैट, इसको वापस बैक शिफ्ट कर दीजिए, सारे मसले वहीं हल हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कर रही हूँ, ये मनी सप्लाई जैसी वापस पीछे शिफ्ट होगी यानी कि 2, ये भी अपनी जगह इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये भी वापस अपनी जगह आ जाएगा, ये बन गया। ठीक, तो मैं जिस वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई थी हमने उसी मसले को हल कर दिया, यानी कि मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना ही बेटर था। इसके बाद है हमारे पास एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाना। ठीक है, इसको मैं आपको इसके तफसीलात भी हैं, ये लास्ट केस है, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, और ये आ गया एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है गुड मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों मार्केट्स हैं, रिजर्व मनी और गुड्स की मार्केट। ठीक है, वही इक्विलिब्रियम हम ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने भी पहले 3 केसेस के अंदर ड्रॉ की थी, तो कोई 0.1 उनको मार्क कर दूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मनी डिमांड सप्लाई आ गया, कि वीडियो का इंटरेस्ट रेट उसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया रिजर्व की डिमांड। ठीक है, ये प्राइसेस आ गई, ये आउटपुट आ गया, ये इंटरेस्ट रेट आ गया, ये रिजर्व की डिमांड, रिजर्व सप्लाई, ये कांस्टेंट पार्ट ऑफ रिजर्व, और ये एम यानी कि कांस्टेंट पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट।
मनी इन दी इकॉनमी। ठीक है, अब ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, 0.1 मार्क दे दूँ मैं इनको पहले, ठीक है, किसी चेंज से पहले का। अब मैं अप्लाई करूँगी इस केस को, ठीक है, इसको केस को आज मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा अप्लाई करता हूँ। एड्रेस शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से पैरेलली पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। एग्रीगेट सप्लाई नई वाली आ गई, 0.2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ गई मगर आउटपुट कम हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन तो आया, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, ठीक है। तो मैं इसको लिखना शुरू करूँ, एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से प्राइसेस बढ़ गई, आउटपुट कम हो गया, प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने से हुआ कि हमने मनी डिमांड बढ़ा दी, साथ में साइमल्टेनियसली रिज़र्व की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है, मनी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाज में जो है यहाँ से जो है ये रिजर्व की डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे मनी डिमांड बढ़ गई, ये नया इंटरेस्ट रेट आ गया। अब ये इनिशियल इंटरेस्ट रेट और इनको याद रखिएगा, ठीक है जी, ये नया इंटरेस्ट रेट आ गया, ये यहाँ से यहाँ की शिफ्टिंग, ये पहली शिफ्टिंग होगी जो कि इस केस की, ठीक है जी। अब हम वही पॉलिसीज चेक करेंगे, ठीक है, अब पॉलिसी इफेक्ट चेक करना है हमने, या तो मनी को कांस्टेंट कर लो या इनिशियल इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट कर लो, ठीक है। इसको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट में शो करूँगी 3A, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा 3B, इसकी शिफ्टिंग में शो करूँगी 2 से और इसकी शिफ्टिंग में शो करूँगी 3 से, ठीक है। कलर और आसानी के लिए मैं कलर डिफरेंट कर दूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब एम कांस्टेंट करना है, यानी कि ये रहा एम, ये रही नई मनी डिमांड, मुझे इस पे एम को कांस्टेंट करना है। तो पहले तो मैं मनी डिमांड के ऊपर एक मार्क बना के, यहाँ ये एक मार्क बना ली, अब मैं इतना मनी सप्लाई को पीछे शिफ्ट करूँगी, मनी सप्लाई रिड्यूसेस, ये शिफ्ट हो गया 2, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया 3, ठीक है। अब ये यहाँ से बढ़ के इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ गया, इसको मैं 2 का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट के मज़ीद बढ़ने से क्या हुआ, मनी सप्लाई पहले तो ये रिज़र्व मार्केट के अंदर इसकी शिफ्टिंग को करेक्ट कर लेता है, ठीक है। मनी सप्लाई कम हो गई है तो ये नए वाले रिजर्व डिमांड पे, IT पे मैं नया वाला कम, ये रिजर्व डिमांड जो है ये कम, ठीक है। ये रही शिफ्टिंग थी 0.2 से, ये इक्विलिब्रियम आ गया 0.3A, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ये एग्रीगेट डिमांड डैश, ये 2, ये 2 से जो पॉइंट, ये 3A, ये प्राइस आ गई, ये नया आउटपुट आ गया, ठीक है। ये P2 कर रही हूँ मैं, कल इसको वाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं आई को कांस्टेंट करने के लिए, यानी कि ये वाला इंटरेस्ट रेट जो है इसको अगर कांस्टेंट करना हो तो कैसे करेंगे। मनी सप्लाई ये रहा नया मनी डिमांड, ठीक है। अब हमने किस तरीके से इसको करना है कि नए मनी डिमांड पे आके कांस्टेंट है, ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, ये नए मनी डिमांड पे, तो आई थिंक है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये
सप्लाई जो है यहाँ से रेडी, ठीक है, 3.2 पे है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको निशान लगाऊँ तो ये, अगर नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा फिर, ये 0.8, तो वी गो फॉर आई कांस्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करने से जो है हमारा ये पी और ये वाई बार जो है ये अटेन, ठीक है। देख, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि ये मनी सप्लाई पुराने वाला और नया मनी डिमांड यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा था, तो मुझे उसको मनी सप्लाई को मज़ीद कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट होगा, इसी तरीके से मैं ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे आ गए, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, आई थिंक वी आर ऑन अगेन सस्टेन, और ये कीपिंग इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट इज़ अ बेटर पॉलिसी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेशक कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा।